बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ीज में से एक है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी। लेकिन जनाब, हाल ही में इस जोड़ी को मिला है एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। जी हाँ, जहां पर एक तरफ दीपिका ने फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता, वहीं पर रणवीर सिंह ने जीता है मेल कैटेगरी में अवार्ड। लेकिन मौका था हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 का। Hey guys, की हाल चाल, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण रविवार रात हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स के ब्लू कार्पेट पर नजर आई, वहीं पर रणवीर सिंह साहब भी नजर आए हैं इस अवार्ड शो में। इस अवार्ड शो से दीपिका ने अपनी एक तस्वीर जारी की है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा उन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर फीमेल की ट्रॉफी देती दिख रही हैं। जी हाँ, दीपिका बनी है एंटरटेनर ऑफ द ईयर, वहीं पर दीपिका की कथित बॉयफ्रेंड और एक्टर रणवीर सिंह को एंटरटेनर ऑफ द ईयर मेल का टाइटल मिला है। बहरहाल, आपको बताते चलें कि रणवीर और दीपिका इस अवार्ड शो में बेहद खास अंदाज में पहुंचे हैं। जहां तक बात है दीपिका पादुकोण की, तो वो यहां पर अपने डिजाइनर फाल्गुनी और पीकॉक का व्हाइट फ्लोरल लेंथ गाउन पहनकर पहुंची थी। उन्होंने अपने इस लुक को सिल्वर बेल्ट, तनिष्क ज्वेलरी और मेकअप से कंप्लीट किया। वहीं पर इस मौके पर दीपिका ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह भी अपने बेहद स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे हैं। बता दें कि हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स के दौरान रणवीर सिंह ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया, तो सदाबहार रेखा को सिनेमैटिक आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। रेखा को ये अवार्ड रणवीर सिंह ने ही दिया, जबकि इस मौके पर अपने आप को मिले अवार्ड के साथ रणवीर सिंह काफी खुश हुए और उन्होंने अपना ये अवार्ड श्रीदेवी को याद करते हुए उन्हें समर्पित कर दिया। पर हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 के दौरान रणवीर और दीपिका के अलावा शाहरुख अपनी पत्नी गौरी के साथ बेहद खास अंदाज में नजर आए। जी हाँ, शाहरुख खान साहब ब्लैक कलर के सूट में काफी डैशिंग लग रहे थे, वहीं पर उनकी पत्नी गौरी खान गोल्डन कलर के गाउन में पहुंची और इन्होंने इस इवेंट में 4 चांद लगा दिए। और यही सारे कारण हैं कि इन्हें बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी भी कहा जाता है। बहरहाल, आपको बताते चलें कि शाहरुख, गौरी और दीपिका रणवीर के अलावा इस अवार्ड शो में सदाबहार एक्ट्रेस रेखा, अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन, करण जौहर, मीरा राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कृति सैनन, राजकुमार राव, यूलिया वंतूर और कार्तिक आर्यन जैसे कई बड़े बॉलीवुड के सितारे मौजूद रहे। लेकिन सबका ध्यान था दो जोड़ियों की तरफ, एक शाहरुख और गौरी, वहीं पर रणवीर और दीपिका, जिन्होंने साथ में कई फोटोज भी क्लिक करवाई है। और इसी मौके पर रणवीर और शाहरुख का ब्रोमांस भी देखने को मिला। जब शाहरुख पहुंचे तो रणवीर ने उन्हें हग किया, गले लगाया और दोनों बढ़ चले इवेंट की ओर। लेकिन फिलहाल रणवीर और दीपिका एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड्स पाके काफी खुश हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।